फिजिक्स मॉडल टेस्ट और सैम्पल पेपर हम 25th क्वेश्चन कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26th. द इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव इन एयर इज पी इज इक्वल टू 0.01 cos 100t माइनस 3x, वेयर पी एक्स टी आर इन SI यूनिट्स. अ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, अ बल्क मॉडुलस हमें कितना गिवन है, 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है, फ्रॉम वेयर वी चूज द पेन, P is equals to 0.01 cos 1000t minus 3x. ये इक्वेशन गिवन है. ये यहाँ कैसे आएगी, इधर आ जाएगी ना, तो एक्चुअली अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कितना गिवन है, P इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डेल्टा P कॉस ओमेगा T माइनस KX, ये गिवन है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा P चेंज इन प्रेशर कितना है, 0.01, ओमेगा कितना है 1000, के कितना है इट्स 3. तो ये सब वैल्यूज गिवन है. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, यानी कि कितना गिवन है, 1.4 इंटू 10 रेज माइनस 5. डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, एस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस इंटू के. तो वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा पी कितना है 0.01 अपॉन बल्क मॉडुलस कितना है 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, के कितना है हमारे पास 3. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक पावर यहाँ से कंपनसेट होगी, ये माइनस 5 ऊपर चला जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 14 इंटू 3. तो यहाँ से इसको सॉल्व करो कितना आता है, तो कुछ यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आती है यहाँ पे 24 नैनोमीटर, यानी कि 24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9. ठीक है, या हम कह सकते हैं 0.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. 5 होगी ये भी ऊपर चली जाएगी, और दो पावर इसकी माइनस 7 हो गया, और इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1.4 इंटू 3 और डिवाइड करोगे 1 के साथ, तो 1 अपॉन 1.4 इंटू 3 इट्स 0.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन अकर डिपेंड्स ऑन, वो टेम्परेचर जिस पे फेज ट्रांजिशन डिपेंड करता है वो क्या होता है, प्रेशर. इट्स करेक्ट आंसर इज प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव स्पीड्स 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज, 4 गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड दे रखी है, V1 है 1, V2 है 2, V3 है 3 और ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड. मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि RMS वैल्यू निकालनी है हमें. तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम
स्क्वायर करते हैं, मीन निकालते हैं, फिर उसका रूट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन, टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 4 हैं, उनका हमने मीन कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन 4, यानी कि 14, और ये हो गया 30, तो 30 अपॉन 4, यानी कि रूट 15 अपॉन 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 15 अपॉन रूट 15 अपॉन 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, वट वर्क विल बी डन वेन 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है हमें, 3, इज कंप्रेस टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वी डैश कितना हो गया है, ऑरिजिनल का हाफ हो गया, या हम कह लें V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस प्रोसेस में कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू RT log E V2 अपॉन V1, log E को log 10 में कन्वर्ट करते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू RT 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, 2.3026 राउंड ऑफ 3 ही ले लेते हैं हम, ठीक है, 2.3026 को राउंड ऑफ कितनी ले लेते हैं, 2.303 या 26 से भी कर सकते हो, log 10 V2 अपॉन V1, अब V2 कितना गिवन है हमें, डैश लेके कर लो या V1 और 2 लेके कर लो इसको, तो V2 कितना गिवन है, हाफ हो गया इनिशियल का, मतलब V2 को हम पुट कर सकते हैं V1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू RT 2.3026 log 10, V2 को क्या पुट कर दिया हमने, V1 अपॉन 2, V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया वर्क डन, वैल्यूज पुट कर दो, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, 8.31 वैल्यू होगी, टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन इनटू 2.306 और लॉग हाफ, लॉग 1/2, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वर्क डन बताओ मुझे कितना आता है, कितना आएगा यहाँ से, कैलकुलेट इट, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, log 1/x माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ से आएगा -5188 जूल, ए ऑप्शन, जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स -5188 जूल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है,
727 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले तो इसको इसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. तो 727 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 10,000 केल्विन. एरिया, एरिया गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर है इसलिए हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ m² क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 10⁻⁴. एनर्जी क्यू से रिप्रेजेंट कर लो या ई से रिप्रेजेंट कर लो, पर मिनट इट्स 300 जूल. MeCT निकालना है, ठीक है. बोल्ट्समैन कांस्टेंट सिग्मा कितना गिवन है, 5.67 × 10⁻⁸. ये वैल्यू गिवन है. फॉर्मूला क्या होता है MeCT के लिए, E इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन सिग्मा AT⁴ अपॉन टाइम, ठीक है. तो वैल्यूज सारी पुट कर दो. एनर्जी कितना है, इट्स 300, सिग्मा 5.67 × 10⁻⁸, एरिया 5 × 10⁻⁴, इंटू टेम्परेचर 1000, रेशियो 4, और टाइम इज 1 मिनट. तो 1 मिनट टाइम को भी कितने में कन्वर्ट कर लोगे, टाइम है 1 मिनट, पर मिनट दे रखा है ना एनर्जी पर मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे सेकंड्स में, 60 सेकंड्स. इसको कैलकुलेट करो. इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड. पहले पावर्स को सॉल्व कर लो. पावर्स दो यहाँ से कंपनसेट हो गई, नीचे से कितनी पावर्स हैं, यहाँ पे हो जाएंगी पावर 12, एक ही होगी 13, और ये माइनस हो गया, सिर्फ एक ही पावर ऊपर जाएगी, और 567 × 5 × 6 वो रह गया, उसको मल्टीप्लाई कर लो. तो फाइनल इन सब चीज़ों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू 0.18, ठीक है, 0.18 A ऑप्शन. इसको सॉल्व करोगे तो राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड द पोजीशन ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट. 1 सेंटीमीटर क्या है, उसकी हाइट है, विच इज प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर. इसमें हमें वी फाइंड करना है, फाइंड द इमेज. डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी फाइंड करना है हमें. तो 8 सेंटीमीटर है, मिरर कौन सा है, इट्स कॉनकेव मिरर. तो 8 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स यू कितना है, -8 सेंटीमीटर. यू क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में होता है, जनरली लाइट हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है. जब भी लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस लिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. तो U हमारा -8 सेंटीमीटर हो गया. रेडियस, अब कॉनकेव के केस में, कॉनकेव की ऑलमोस्ट चीज़ें नेगेटिव रहती हैं, तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी. हमें फोकल लेंथ निकालनी है. देर इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. वो क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 2F, मतलब F फाइंड आउट करना है तो R बाई 2 हो जाएगा. तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, -12 सेंटीमीटर.
मिरर का केस है तो मिरर फॉर्मूला यूज करो, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, एफ और यू गिवन है, वी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज एंड देन टेल मी कितना आएगा. वन बाय वी हमें फाइंड करना है, वन बाय एफ माइनस वन बाय यू, तो वन बाय एफ है हमारा माइनस का माइनस, ये भी है माइनस का माइनस एट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वन बाय माइनस ट्वेल्व प्लस वन अपॉन एट. इसका एलसीएम लो और जल्दी सॉल्व करो फटाफट, कितना आता है, एलसीएम कितना आएगा 12 का रेट का 24, तो ये हो गया माइनस टू प्लस थ्री, वन अपॉन 24, तो v कितना आ जाएगा, वन बाय वी हमारा आया वन अपॉन 24, तो v हमारा आ जाएगा इट्स 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए. मैग्निफिकेशन भी पूछी जाती तो ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का, ये 24 है, दैट मीन्स 3 टाइम्स इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, लार्जर इमेज है, 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है, राइट. तो लेंस फॉर्मूला अगर हमें दिया होता तो हम यहाँ नेगेटिव यूज़ करते, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो दोनों के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव रहेगी, यानी कि फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव. तो इस तरीके से हम वी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर. जल्दी फटाफट, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी गिवन है, इट्स 435.8 नैनोमीटर. फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ गिवन है 84 फ्रिंजेस हैं, आर सीन इन द फील्ड व्यू, बट व्हेन सोडियम लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ आर यूज्ड, तो बीटा 2 कितना आता है, 62 फ्रिंजेस आते हैं इन द फील्ड व्यू, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सोडियम, लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है. तो एक रिलेशन होता है लैम्डा 1 बीटा 1, लैम्डा 2 बीटा 2, तो तीन चीजें गिवन है, फोर्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 बीटा 1 अपॉन बीटा 2, 435.8 नैनो 10^-9 इंटू 84 अपॉन 62. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सॉल्व करो इसको जल्दी, कितना आता है, टेन रेज टू माइनस नाइन को ऐसे ही रहने देते हैं, कितना आएगा, इट्स 5904 नैनोमीटर, टेन रेज टू माइनस नाइन एज इट इज रहेगा तो वो नैनो हो जाएगा, तो 5904, ठीक है, 59 ये 04 ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5904 नैनोमीटर, बी ऑप्शन, ये पॉइंट नहीं है, डन. तीन चीजें गिवन है, फोर्थ हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू 33. अ पॉइंट चार्ज इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज क्यू,
सर्कुलर रिंग है, एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, इट्स 10√2। क्यों चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है जहां पे चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब अगर चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्योंकि उस पर फोर्स मैक्सिमम लग रही है, अब एक अगर चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री से, तो जब उसमें मैक्सिमम फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन 90 डिग्री होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। अब जब उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इसलिए वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फोर्स के केस में हम क्या करते हैं, फोर्स को, मैक्सिमम फोर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू जीरो इसको इक्वेट किया जाता है। तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे अब एक ही चार्ज गिवन है हमें, अगर दो चार्जेस होते तो हम फोर्स फाइंड आउट करते, लेकिन हम यहां पे क्योंकि एक ही चार्ज गिवन है, फोर्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो अब हम यहां पे क्योंकि एक ही चार्ज गिवन है हमें, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इट्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कितना है हमारा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर ये रिंग का केस है, तो रिंग के केस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू एक्स, या वेक्टर फॉर्म हम ले तो इसका फॉर्मूला होगा के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डी अपॉन के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर, इज इट विजिबल, प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट, ये डिवाइडेंट रूल, ठीक है। तो डिवाइडेंट रूल क्या होता है, अगर कोई u अपॉन v की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो किस तरीके से करते हो, क्वेश्चेंट या क्वेश्चेंट रूल, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो पहले तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हो, ठीक है, मान लो ये यू है और ये वी है, यू अपॉन वी, तो कैसे करते हैं, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस यूज करते हैं हम यहां पे, माइनस, अब जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, क्वेशेंट फॉर्मूला, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो यहां पे क्या आ जाएगा,
डिनोमिनेटर एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा के क्यू माइनस। अब हम के क्यू एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी डिफ्रेंशिएट इसका यानी कि v का डिफ्रेंशिएशन dv होगा ना, तो 3/2 पावर मल्टीप्लाई हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है, डिफ्रेंशिएशन में माइनस वन होता है तो 3/2 माइनस वन, कितना पावर आया 3/2 माइनस वन, इट्स 3 - 2 1/2, तो इसकी पावर रह जाएगी सिर्फ 1/2 इंटू 2x, यहाँ पे है 2x भी है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, हो गया। अपॉन, और इसके अपॉन क्या होता है बेटे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो यह इस टर्म के अपॉन में हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमने e को डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या चीज इसमें से बाहर कॉमन आ रही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हम 1/2 है दोनों में तो वो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम बाहर कॉमन निकाल लें तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन निकालें, तो यहां से आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और साथ में ले लिया के एक्स भी, ठीक है, ये के क्यू भी, इस पूरी टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, यहां क्या बचा हमारा 1, 3/2 लिया है ना हमने, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये नीचे, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे था 2x, डिफ्रेंशिएट करके आया था, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हमारा बाहर आ गया, बाई टू बाहर आ गया, तब अंदर हमारा बचेगा बाई टू के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे टर्म बच रही हैं हमारी बाहर निकालने के बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 3x, एक तो x ये हो गया, एक 3 और एक x हो गया ये, तो 3x स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पे पावर कौन सी बाहर निकाली है 3/2, तो 3/2 में तो फिर यहाँ 3/2 नहीं, हमें 1/2 निकालना पड़ेगा, 1/2 हमें बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से पावर, नहीं तो फिर ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो जब हम 1/2 पावर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे
इसमें से कितनी पावर बचेगी? अब 1/2, अगर 3/2 में से 1/2 माइनस कर दे तो कितनी पावर बचेगी? 1। इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ पावर हमने यहाँ से बाहर निकाली और के एक्स, तो के एक्स दोनों में है, कॉमन बाहर आ गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर आ गई। यहाँ से एक पावर बचती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, ये पावर बाहर आ गई, ये नेगेटिव साइन। यहाँ से 3, एक एक्स ये और एक एक्स ये, तो माइनस 3x स्क्वायर बचता है। और ये सब टर्म्स किसके इक्वल हैं? इज इक्वल्स टू 0। देन इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है? रूट्स निकलेंगे यहाँ से, इज इक्वल्स टू 0 है, इस टर्म को ये मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 हो जाएगी, तो हमारे पास टर्म बची माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसकी रूट्स फाइंड आउट कर लो, तो इसकी रूट्स कितनी आएंगी? ये आ गया यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर कितना आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, तो x कितना आएगा? x इज इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, ये आ गया r अपॉन रूट टू। अब r हमें कितना गिवन था? r हमें गिवन था 10√2, तो 10√2 अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया आंसर, फाइनल आंसर x कितना आ जाएगा? इट्स 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। जिसको थोड़ा बहुत डाउट रहा है वो देखो दोबारा से, हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है एक चार्ज की, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे डिस्टेंस बताना है कि किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स होगी, मैक्सिमम फोर्स मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद रिंग के केस में क्या होगा, के वेक्टर फॉर्म में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल होगा, क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर उधर जाके 0 हो गया था, तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया था। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। पहले तो v का, ये जो नीचे वाली टर्म है ये एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो kx, ये kq आ गया हमारे पास, x का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो kq आ गया माइनस। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी kq x, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म में से इस पावर में से माइनस 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी? 1/2। और फिर x का डिफरेंशिएशन, x का कितना होगा? 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इज इक्वल टू के 0 है, तो ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। ये टर्म बची, इस टर्म में से हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से हाफ बाहर निकाल लेंगे, हाफ बाहर, और साथ में के क्यू ये बाहर आ जाएगा। तो 3/2 में से अगर आपने हाफ पावर बाहर ले ली, 3/2 का मतलब होता है 1.5, अगर आपने हाफ पावर बाहर ले ली तो एक पावर बची, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक पावर आ गई, ये नेगेटिव साइन, 3 और 2 हमारे पास एक्स बचे, तो एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म, ये वाली टर्म प्रोडक्ट में है, उधर जाके 0 हो जाएगी, ये टर्म बचेगी,
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, r अपॉन रूट टू। रेडियस हमें गिवन है 10√2, तो 10√2/10√2 इट्स 10 सेंटीमीटर। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, IMCT में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते क्योंकि इसको करने में 2-3 मिनट जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ही टाइम जा रहा होगा बल्कि, तो बहुत कम चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन आने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, वट शुड बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो एक कॉर्नर पे पूछा है, पूरे क्यूब का जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये पूरे क्यूब का है। अगर 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 कॉर्नर्स का कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्साइलन नॉट, तो क्यू अपॉन 8 एप्साइलन नॉट, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, ओवर अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। एक थिन वायर है आर रेडियस, थिन रिंग है आर रेडियस की, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली है, कहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है कहीं पे ज्यादा है। कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द फोर्स फील्ड इन डिस्प्लेसिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू वन फ्रॉम सेंटर टू द इन्फिनिटी। सेंटर से इन्फिनिटी तक ले जाने में चार्ज को जो वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर पे और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फाइंड आउट कर लें और फिर दोनों का डिफरेंस ले लें पोटेंशियल का और इनटू चार्ज कर दें तो हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेंटर पे पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर रेडियस है तो कैपिटल आर ले लो, इसको कैपिटल आर का गिवन है तो के क्यू ओवर आर। इसका कैपिटल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू हमें गिवन है, ये हो गया। देन ये हो गया वी नॉट यानी कि सेंटर पे। अब वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होती है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज जीरो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी नॉट माइनस वी इन्फिनिटी इंटू चार्ज, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर और स्मॉल आर। और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 pi epsilon naught, वो वैल्यू पुट कर दो तो वर्क डन कैसे आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, ऊपर है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और आर, एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्यू वन यहाँ अगर ऑप्शंस में क्यू वन दे रखा है तो इसको क्यू वन कंसिडर कर लो, या एक कॉइन से को भी क्यू वन कंसिडर कर लो, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, क्यू क्यू वन अपॉन 4 pi epsilon naught r, ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी आ गई फिर। नेक्स्ट इज 36, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री, दे हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
two capacitors having capacitances 8 microfarad and 16 microfarad having breaking voltage of, दोनों की breaking voltage दे रखी है 20 volt and 80 volt respectively. They are combined in series. The maximum charge they can store individually in the combination is, दोनों किस combination में है? Series combination में है. और series में हम कैसे निकालते हैं? 1 upon C1 plus 1 upon C2. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? Equivalent capacitance. वन अपॉन एट माइक्रोफेराड प्लस वन अपॉन 16 माइक्रोफेराड. 16 माइक्रोफेराड को हम बाद में माइक्रोफेराड रहने देंगे, यहाँ से हटा देते हैं. तो इसको सॉल्व करो, 16 आ जाएगा, वहाँ से 2 16, 2 प्लस 1 अपॉन सी एस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 अपॉन 16, 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3 माइक्रोफेराड. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया. अब हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, या और भी कर सकते थे एक और काम. ये तो हमने इक्विवेलेंट निकाला है, ऐसे ही पोटेंशियल का फाइंड आउट करके, पोटेंशियल सीरीज में डिफरेंट रहती है, तो वहाँ से नेट निकालो और फिर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो. या एक दूसरा और क्या तरीका है, और कैसे कर सकते हैं इसको, इसको ऐसे ना करके, हम एक और तरीके से कर सकते हैं जो इजी रहेगा. सीरीज कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन्स सेम, दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो सेम होगा. इंडिविजुअल वोल्टेज दे रखी है, तो किसी भी एक के अक्रॉस निकाल दो. चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी वी. तो Q इज इक्वल टू सी वन वी वन, दोनों के अक्रॉस सेम चार्ज होगा. तो कैपेसिटेंस गिवन है 8 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल कितना है 8 के अक्रॉस 20, तो इट्स 160 माइक्रोफेराड. सिमिलरली दूसरे का भी, तो चार्ज दोनों के क्रॉस क्या रहेगा, इट्स रिमेन्स सेम. तो यहाँ से आ जाएगा 160 माइक्रो कूलाम. फेराड नहीं है इसकी ऐसा यूनिट होगी, कूलाम. फेराड तो होती कैपेसिटेंस की, माइक्रो कूलाम. ठीक है, तो चार्ज सेम रहेगा. इंडिविजुअली जो रहेगा दोनों पे वो कितना रहेगा? 160 माइक्रो कूलाम. अगर इसका ज्यादा आता भी है तो भी ये ज्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चार्ज जाएगा वो दोनों में सेम ही जाएगा. फर्स्ट के अक्रॉस जो जा रहा है 160 माइक्रो कूलाम, दूसरों के अक्रॉस भी उतना ही जाएगा 160 माइक्रो कूलाम. वो ज़्यादा चार्ज को होल्ड नहीं रख पाएगा, तो चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स सेम फॉर बोथ, इट्स 160 माइक्रो कूलाम. इससे ज़्यादा चार्ज दूसरे वाला होल्ड नहीं करेगा. राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इफ द सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटर ऑफ एरिया एस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम एक्स वन टू एक्स क्यू. एज्यूम चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर कॉन्स्टेंट. चार्ज कॉन्स्टेंट है. वर्क डन उनको सेपरेट करने के लिए. अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है क्यू अपॉन, या तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है. राइट, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो एनर्जी की फॉर्म में ही करेंगे. वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी.
तो एक वर्क डन क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी भी होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कैसे होगी, दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, कैपेसिटर्स थे, या कैपेसिटर था पहले, इनके बीच में सेपरेशन थी x1, कैपेसिटर c1 के केस में सेपरेशन थी x1, उसके बाद क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया c2 के केस में, या c डैश के केस में, c2 ले लो या c डैश ले लो या इनिशियल या फाइनल ले लो, इस सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज हो गया, और इसको नाम दे दिया x2 का, एरिया का इंक्रीज कर दिया फ्रॉम x1 टू x2, ये जो सेपरेशन थी वो x1 थी, अब कर दी x2। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी डैश ले लो या सी वन सी टू ले लो, यहाँ पे हो जाएगा सी टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन, इनिशियल के केस में सी वन था, फाइनल के केस में सी टू है। अब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट वो होता है C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे एरिया को S से रिप्रेजेंट कर रखा है ऑप्शंस में भी, और सेपरेशन को X से, तो ये हो जाएगा एप्साइलन नॉट S अपॉन X। टू के केस में हम X2 रख देंगे, वन के केस में हम X1 रख देंगे, तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, वही करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो यहां से हो जाएगा, ये जब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू, अगर हम बाहर निकाल लें क्यू स्क्वायर अपॉन टू तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन सी टू माइनस 1 अपॉन सी वन। अब सी वन और सी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, सी टू कितना है, सी टू है हमारे पास एप्साइलन नॉट एस अपॉन एक्स टू, माइनस सी वन कितना है, एप्साइलन नॉट एस अपॉन एक्स वन, एप्साइलन नॉट एस बाहर आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, एक मिनट, ये C1 और C2 था ना, तो रेसिप्रोकल होगा यहाँ से, ठीक है, वन अपॉन हो जाए ना, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये टर्म्स, हमें रेसिप्रोकल में गिवन है ये, वन अपॉन ओके है ना, तो X2 ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट S नीचे, यहाँ से X1 ऊपर और एप्सिलॉन नॉट S नीचे, तो वर्क डन आ जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट S भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन टू था, यहाँ पे टू था ना, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और क्या बाहर आ गया, एप्साइलन नॉट एस आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो कौन सा ऑप्शन है ये, क्यू स्क्वायर अपॉन या क्यू स्क्वायर x2 माइनस एक्स वन, क्यू स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन, टू एप्साइलन नॉट एस, टू एप्साइलन नॉट एस, सी ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, सी, क्यू स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट एस, तो सी ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, टू रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस, दो रजिस्टर्स है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सीरीज का, 6 प्लस 9 यानी कि 15 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमें गिवन है, इट्स 120 वोल्ट। पावर निकालनी है, पहले हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो करंट सेम है। वोल्टेज दे रखी है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट रेजिस्टेंस, तो पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर से। सीरीज में हम आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करते हैं, पैरेलल में हम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करते हैं। तो करंट यहां से कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वी है 120 अपॉन 15, ये करंट आ गया। अब करंट आ गया तो हम पावर कर सकते हैं अक्रॉस, पावर किसके अक्रॉस फाइंड आउट करनी है हमें, 6 ओम के, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो करंट का स्क्वायर 120 अपॉन 15 स्क्वायर इंटू 6 ओम। तो पावर बताओ मुझे यहां से कितनी आती है, कितनी आएगी अगर हम यहां से 5 से कट करें, तो 3 और ये होगा 2 4, ये भी चला जाएगा 8, तो 8 स्क्वायर गया 64, 64 इंटू 6 कितना होगा, इट्स 384 वॉट, ए ऑप्शन, ठीक है 384 आ जाएगा। पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, करंट निकाला, सीरीज में करंट सेम होता है, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, राइट। डन बेटा, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज 10 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर यानी कि L1 कितना गिवन है, L1 गिवन है 50 सेंटीमीटर, R कितना गिवन है 10 ओम, द वायर इज स्ट्रेस्ड टू अ यूनिफॉर्म लेंथ, L2 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, R डैश फाइंड आउट करना है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार क्वेश्चन किया है कि अब देखो यहाँ से 50 से 100 हो गया, इसका मतलब डबल हो गया है, तो कितने फैक्टर से लेंथ इंक्रीज हो रही है, 2 फैक्टर से, उतने ही फैक्टर से एरिया रिड्यूस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जो फैक्टर है उसका स्क्वायर इंटू द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू, या फिर आप रेशियो लेके भी कर सकते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर, 2 फैक्टर है वो दुगना स्ट्रेस्ड हुआ है, इनकी जो रेशियो है वो कितनी आ रही है, L2 अपॉन L1 की 2x, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो यहां से कितना आया हमारे पास, आर डैश कितना आया, इट्स 40 ओम, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Earth's magnetic field at a certain point is 0.70 gauss. This field is to be annulled by the magnetic field at the center of a circular loop of 5 centimeter radius. The required current is about. सेंटर की बात हो रही है, पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है, गॉस उसकी सीजीएस में गिवन है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस होता है, यानी कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना है, तो 0.70 × 10^-4 टेस्ला आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 0.7 अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 0.7 × 10^-5 टेस्ला लिख सकते हैं बी को. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल, सर्कुलर कॉयल के अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए. गर्म है, उधर जा, तो B इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा अपॉन 2R. तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, म्यू नोट की कितनी वैल्यू होती है 4π × 10^-7, करंट हमें फाइंड करना है अपॉन 2R है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10^-2 से. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, इट्स 0.7 × 10^-5. करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I इज इक्वल्स टू 0.7 × 10^-5 मल्टीप्लाई, इन दोनों का 10 हो गया और 10^-2 -1 रह गया यहाँ पे, अपॉन 4π की वैल्यू 3.14 × 10^-7. इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है, पावर सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर 7 गया, एक ये पावर आ जाएगी, तो पावर सारी कैंसिल आउट होगी, ऊपर बचता है करंट 7 अपॉन 4 × 3.14. अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आता है, ये 10 होगा उधर जाके, पावर्स हो जाएगी अपॉन 2π. अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते तो ये 2π हो जाता, ठीक है, और ये ऊपर 5 मल्टीप्लाई होता, या चलो डिवाइड में भी ले आए, इसको 10 कर दिया वो भी ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे समथिंग कितना आएगा, पावर्स फिर चेंज हो जाएंगे, ये पावर ऊपर जाएगी, फिर ये आएगा समथिंग 5.6 के अराउंड, 5.57 के अराउंड, अप्रॉक्सीमेट 6, तो 5.6 एम्पीयर्स. अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते 2π, तो 2π नीचे आता, 2 ये हो गया पाई इंटू 5 फिर ऊपर जाता, तो यहाँ पे अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें पावर्स रिजॉल्व हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 35. थोड़ा सा आसान पड़ेगा, यहाँ से
अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें, 2π 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 0.7 × 10⁻¹⁵ उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 5, ये रह गया 2π। अब कितना होगा, ऊपर से एक और पावर यहाँ पे -6, 7 आना चाहिए, यहाँ से 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक पावर यहाँ कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आएगा × 5 भी, और यहाँ हो जाएगा 2, तो 35/, इसको कर लो 6.28, तो 35/6.28 कितना आएगा, 5.57 या 5.56 के अप्रोक्सीमेट, इतना एम्पियर। डन, एक ये पावर होगी 10⁻²। ये 10⁻²⁵। पावर्स तो यहाँ से कंपनसेट हो जाएंगी, ये ऊपर गई -5, 10⁻²⁵ से 10⁻²⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर्स तो यहाँ से सारी रिजॉल्व हो गई। उसके बाद 35/6.28, 5.57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ 1√μ0ε0 इज इक्वल्स टू, ये जो रेशियो होती है सी इज इक्वल्स टू 1√μ0ε0, ये किसके इक्वल होती है, सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके सेम डायमेंशंस आएंगी। तो एक और क्वांटिटी होती है E0/B0। EM वेव्स जब पढ़ते हो तो उसमें पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो E0/B0 यानी कि A वैल्यू होगा, यहाँ पे E0 होगा और यहाँ पे B0, तो A ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन द पोजीशन, ऑन द पोजीशन 0.1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर फ्रॉम देयर सेंटर्स, गिवन दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच, हर एक का जो m है यानी कि m1 और m2 कितना गिवन है, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का, μ0/4π m1 m2 6 m1 m2 upon t raised to the power 4, t raised to the power 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, when we put all the given values here, तो सारी values put कर दो, कितना आ रहा है, 10⁻²⁴π हो गया, 10⁻²⁵ 7 × 6, दोनों 5 5 हैं, अपॉन डी कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर है, तो 0.1⁴ यहाँ से कितना होगा, 10⁻²⁷ 25 × 6, इट्स 150 अपॉन 0.1,
तो ये हो जाएगा 0.0001, नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 4 ज़ीरो आ जाएंगी, एक ज़ीरो है तो 4 आएंगी, यानी कि 1 हो जाएगा, 3 पॉइंट और ये 1, यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ये हो जाएगा 4, माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा 150 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ऊपर 4 जाएगा कंपनसेट होगा, तो इट्स 0.15, कितना आएगा यहाँ से 0.15 न्यूटन फोर्स आ जाएगी दोनों के बीच में, तो सी ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, दोनों के बीच में मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में फोर्स, म्यू नॉट अपॉन 4π6, दोनों जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं, m1 m2 अपॉन d रेज टू द पावर 4, सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास कितना आया 0.15 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब हुआ कितना 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब हुआ 180 डिग्री। तो एक बार मैग्नेट थी जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m गिवन था 2.5 जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड में उसको पुट किया गया 0.2 टेस्ला के, तो जब उसको टर्न किया गया बार मैग्नेट को तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कहाँ से कहाँ टर्न किया 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल के केस में जब आप उसको टर्न करते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है, इट्स mb cos θ1 - cos θ2, तो वर्क डन कितना होगा, m कितना है 2.5, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5.5, 50 अपॉन, हाँ तो 0.5 आ जाएगा यहाँ से, 0.5 इंटू कॉस 0 डिग्री हो गया 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से 2 हो गया, तो वर्क डन आया हमारे पास 0.5 इंटू 1 प्लस 1 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इट्स 1 जूल, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का किस केस में, जब हम बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल को टर्न करते हैं तो उस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है हमें 10 ओम और फ्लक्स वेरी कर रहा है 6t² - 5t + 1, फ्लक्स वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना है इंड्यूस्ड करंट का, कितने सेकंड्स में 0.25 सेकंड्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तभी करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला है,
माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, इट्स 6t² माइनस 5t प्लस 1, डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 12, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो 12t माइनस 5 कांस्टेंट का 0, ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। अब हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से E बाय आर, या E इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर। ईएमएफ कितना है, माइनस 12t माइनस 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना गिवन है, इट्स 10 ओम, और T की वैल्यू पुट कर दो, T की कितनी है 0.25। तो यहाँ से आ जाएगा करंट, इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 0.25 माइनस 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आई यहाँ से सॉल्व करके, कितना आ जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, 10 गिवन है, हाँ तो अपॉन 10 भी हो जाएगा, तो करंट हमारे पास आएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई करोगे इसको, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म्स, तो ये 25, तो माइनस 12 इंटू 25 अपॉन 1000, दो ज़ीरो यहाँ से आ गई, माइनस 5, तो इसको कर लो कितना आता है कैलकुलेट, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग अराउंड आएगा 1 अपॉन I इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 50, ठीक है, 1 अपॉन 50 के, यानी कि 0.2 एम्पियर। माइनस साइन इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 0.2 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46th, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम, अब करंट चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, I1 माइनस ये I2 माइनस I1, चेंज इन करंट, पहले कुछ करंट था, पहले कितना करंट था 12 प्लस 2 एम्पियर था, फिर माइनस 2 एम्पियर गया, अगर हम ऐसे देखें ये क्या माइनस 1 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, ऐसे ही प्लस में प्लस 1 एम्पियर और प्लस 2 एम्पियर, तो यहाँ से प्लस 2 एम्पियर से करंट आया है यहाँ पे, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, यानी कि 4 एम्पियर का चेंज हुआ है, ऐसे भी पुट करके देख सकते हैं, फाइनल हो गया माइनस 2 और ये हो गया माइनस 2a, तो प्लस प्लस माइनस 4 एम्पियर का चेंज आया है, नेगेटिव इसका मतलब डिक्रीज हुआ है करंट, तो नेगेटिव साइन, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन से रिलेटेड, डिक्रीज होना या अपोजिट डायरेक्शन होना। फाइंड आउट ईएमएफ कितना दे रखा है हमें, इट्स 8 वोल्ट, कोफिशियंट एल हमें फाइंड आउट करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में या सेल्फ इंडक्शन के केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। हमें एल निकालना है तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, माइनस एल यहीं रह जाएगा, ई डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो नेगेटिव को भी यहाँ रख सकते हो या कैंसिल आउट हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड है 8 वोल्ट, टाइम कितना है 0.05 सेकंड्स, चेंज कितना आ रहा है माइनस 4, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, L कितना आया, L इज इक्वल टू ये चला गया 2 पे, तो 2 इंटू 0.05,
तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 हेनरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जीरो पॉइंट वन हेनरी. हो गया. नेक्स्ट, इन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी दे रखा है इतना, तो वोल्टेज को हम एसी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. इसको अगर हम कंपेयर करें तो वी नॉट की वैल्यू क्या आती है, पीक वैल्यू कितनी आती है, ये आ गई 100 वोल्ट. ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, पाई. रेजिस्टेंस गिवन है, आर गिवन है 20 ओम. आरएमएस निकालना है करंट का, यानी कि आई आरएमएस हमें फाइंड आउट करनी है. अगर हम पीक वैल्यू फाइंड आउट कर ले, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है आई आरएमएस का आई नॉट अपॉन रूट टू. अगर हम आई नॉट फाइंड आउट कर लें तो आई आरएमएस फाइंड आउट कर सकते हैं. आई नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर. वी नॉट हमें गिवन है 100, रेजिस्टेंस है 20, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर. पीक वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो 5 अपॉन रूट 2, तो 5 अपॉन रूट 2 एम्पियर, सी ऑप्शन. ठीक है, 5 अपॉन रूट 2 इज द आंसर. पहले हमने वी नॉट कंपेयर करके वी नॉट निकाली, वी नॉट आ गई तो आई नॉट, और आई नॉट आ गया तो आई आर एम एस. आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन. हमें वर्क फंक्शन फाई नॉट गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द वेवलेंथ कितनी गिवन है, इट्स 600 नैनोमीटर. टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई कितनी, 23 जूल. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो या उसको कन्वर्ट कर लो, एनर्जी निकाल लो कि कितनी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है. तो एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं 1240 अपॉन लैम्डा से भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से भी कर सकते हो. एच हो गया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, 6.62 × 10⁴ और सी हो गया द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई करोगे तो 1240 ही आएगा. तो अगर हम यहाँ से ई फाइंड आउट करें तो 1240 अपॉन 600 नैनो के लिए 10⁻¹⁹, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी. अगर टू पे इसको काटे, सिक्स पे जाएगा, ये थ्री पे भी जाएगा, फोर पे जा सकता है, फोर पे हो सकता है, थ्री और वन, ठीक है, 31, 3 और 1, और ये चला जाएगा 1 और 5. अप्रॉक्सीमेट 2 के अराउंड आ रही है, मतलब 2 से थोड़ा कम आ रही है. 31 अपॉन 15 है, इनटू ऊपर चला जाएगा 10⁻¹⁹, यानी कि अराउंड 2 आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 2. ठीक है, और यहाँ से ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको ये जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लेंगे हम. कैसे करेंगे,
वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ के। तो वहाँ से या तो इसी को कर लो कैलकुलेट जूल में, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो इन दोनों एनर्जीज़ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नैनो हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करें 1.6 × 10⁻¹⁹ से तो कितना आता है, एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास यहाँ, एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास आ रही है अप्रॉक्सीमेट, ये पुट करके भी निकाल सकते हो, H की वैल्यू 6.62 × 10⁻¹⁴, C की वैल्यू अपॉन लेमडा 600 नैनो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे या इस मेथड से सॉल्व करोगे, इस मेथड से कर लो या एक ये मेथड इससे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से एनर्जी अप्रॉक्सीमेट कितनी आ रही है, 2.1 के अप्रॉक्सीमेट आ रही है, या 2 आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितनी आ रही है 2.07 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, क्योंकि पावर्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों प्लस 28 माइनस ये एक प्लस ये हो गया, कुछ पावर्स यहाँ से कंपनसेट हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, लेकिन हमें यह वर्क फंक्शन कितना गिवन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस, लेकिन एनर्जी गिवन कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, मतलब वर्क फंक्शन से भी कम आ रही है। तो अगर हमारी एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वर्क फंक्शन, इससे अगर कम आप एनर्जी दे रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, 0, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। इससे निकाल लो या ये वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ से निकालो, या हम ये 23 जूल है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते थे जूल में, 2.3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कर दो, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी 23 जूल से, ठीक है। इसका मतलब अगर आप एनर्जी वर्क फंक्शन से कम दे रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे कितना नंबर होगा, इट्स 0 नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। तो 3 मेथड हैं इसके, हो गया, एक ये और एक इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, अगर रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी गिवन है, x गिवन है, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज नियर बाय। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी है, x है, थर्ड ऑर्बिट की हमें फाइंड आउट करनी है, तो r nth ऑर्बिट में रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, r nth इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये r1 है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n स्क्वायर ऑफ r1, nth ऑर्बिट की अगर आपको निकालनी है तो जौन सी ऑर्बिट दे रखी है n स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कर दो, तो हमें थर्ड का निकालनी है, तो आ जाएगा इसमें 3 स्क्वायर ऑफ r, या 3 स्क्वायर ऑफ r1, और r1 कितनी है, r1 है हमें x, तो r3 क्या आ जाएगी, 9x, r1 कितना गिवन है, x, तो
तो यहाँ से r की वैल्यू होगी। अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। हम यहाँ पे नील बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट यूज़ करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, l इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। m को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, जो r nth है, हम यहाँ पे थर्ड की बात कर रहे हैं तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो m v r की r nth क्या है हमारा, r 3 है, थर्ड ऑर्बिट की ही बात कर रहे हैं, h अपॉन 2 पाई। एम वी को हम क्या पुट कर सकते हैं, p, तो p r 3 इज इक्वल टू 3 h अपॉन 2 पाई। h, ये p को उधर लेके चले जाओ, r 3 इज इक्वल टू, या रेसिप्रोकल कर लो, 3 h अपॉन p 2 पाई। और लेमडा क्या होता है, लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन p या h अपॉन एम वी, मतलब इसकी जगह हम वेवलेंथ पुट कर सकते हैं इसकी जगह। तो r 3, हमें वेवलेंथ ही निकालनी है लेमडा, तो लेमडा r 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लेमडा अपॉन 2 पाई। हमें लेमडा निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू, रीअरेंज कर दो, r 3 इंटू 2 पाई अपॉन 3। अब r 3 की वैल्यू क्या थी, पुट r 3 इज इक्वल टू कितना है, 9x, तो लेमडा इज इक्वल टू 9x 2 पाई अपॉन 3। लेमडा इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x इंटू 2 पाई, लेमडा इज इक्वल टू 6 पाई x, लेमडा इज इक्वल टू 6 पाई x हो जाएगा। हमें फर्स्ट ऑर्बिट गिवन थी x, फॉर्मूला क्या होता है, nth रेडियस की, nth ऑर्बिट की रेडियस में और फर्स्ट ऑर्बिट में r n इज इक्वल टू n स्क्वायर r 1। हमें थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, तो n की जगह भी हमने 3 पुट कर दिया, 3 पुट किया तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो r 3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस होगी 9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट, 9x। यूज नील बोर सेकंड पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, l इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर होता है, यहाँ से हमने वेवलेंथ का रिलेशन निकाला, वेवलेंथ और r 3 में क्या रिलेशन आया, r 3 इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 पाई, तो r 3 की वैल्यू पुट कर दी 9x, तो यहाँ से लेमडा आया 6 पाई x। ठीक है, इन केस ऑफ कॉम्प्टन इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल, तो कॉम्प्टन इफेक्ट में देर इज एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता है, चार्ज कंजर्वेशन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, तीनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सैम्पल पेपर था, ये एंड अप होता है।